नमस्कार दोस्तों, स्कूल ऑफ अचीवर की इस वीडियो में आपका स्वागत है। लॉकडाउन की इस कठिन परिस्थिति में आप सबको स्कूल के बारे में इन्फॉर्मेशन देने के लिए वीडियो बनाया गया है। इसे अंत तक देखिएगा। कोई भी अगर कोई डाउट या क्वेरी रहता है तो ऑनलाइन फॉर्म के द्वारा आप हमें भेज सकते हैं। हम आपको 48 आवर्स में उसका रिप्लाई करेंगे। और अधिक जानकारी के लिए स्कूल की वेबसाइट पर भी आप विजिट कर सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारा वीडियो। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी स्कूल का जो मुख्य उद्देश्य है, कोर बिलीफ ऑफ आर स्कूल इज होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, बच्चों का सर्वांगीण विकास, जिसके लिए स्कूल निरंतर कार्यशील रहता है। इसकी पूरी जानकारी हम स्कूल के बेसिक इंफॉर्मेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद लेते हैं। स्कूल का गठन 2010 में किया गया था। गुजरात बोर्ड से एफिलिएशन है, जिसमें इंग्लिश मीडियम गुजराती मीडियम दोनों अवेलेबल है। स्कूल में जूनियर के जी से 12th स्टैंडर्ड तक कक्षा है। 11th एंड 12th में साइंस और कॉमर्स दोनों स्ट्रीम अवेलेबल हैं। स्कूल के अगर मैं टाइमिंग की बात करूँ, स्टैंडर्ड 1 to 12 का रहता है 7:30 to 1:15 तक का, मंडे टू सैटरडे। जूनियर केजी सीनियर केजी का टाइमिंग रहता है मॉर्निंग 9 to 12, मंडे टू फ्राइडे। उनका सैटरडे हॉलीडे रहता है। इंफ्रास्ट्रक्चर स्कूल में का लक्ष्य, जैसे मैंने आपको अभी बताया था, होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, उसको अचीव करने के लिए सारे रिसोर्सेज अवेलेबल कराए गए हैं, जिनका जो डिज़ाइन बनाया गया है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग ही बनाया गया है। हम एक एक करके उनको डिस्कस करेंगे। पहले स्केटिंग रिंग विद बैंड ट्रैक, लॉन टेनिस, स्विमिंग पूल विद ऑल फैसिलिटीज, स्प्लैश पूल, ये ओनली जूनियर केजी एंड सीनियर केजी के लिए हैं। बैडमिंटन कोर्ट, क्रिकेट पिच, टेबल टेनिस, योगा कराटे, राइफल शूटिंग, डांस रूम विद बॉल साइज मिरर, वॉलीबॉल ग्राउंड, चेस एंड कैरम, चिल्ड्रन प्ले एरिया, गेम जोन, हाई रोप कोर्स, सेंट्रल कोर्टयार्ड एरिया, एम्फी थिएटर विद 1200 सिटिंग कैपेसिटी, ऑडिटोरियम विद 250 सिटिंग कैपेसिटी, एवी रूम विद ऑल स्मार्ट क्लास सॉल्यूशंस, क्लासरूम सैम्पल है ये। राइट हैंड साइड आपको प्री प्राइमरी का दिख रहा है और लेफ्ट हैंड साइड फर्स्ट ऑनवर्ड्स। लाइब्रेरी, लेबोरेटरी, साइंस लैब एज वेल एज कंप्यूटर लैब। चलिए हम हमारा जो मेन कोर बिलीव है स्कूल का उसको अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि मैं पहले डिस्कस कर ही चुकी हूँ कि स्कूल का शिक्षण को लेके अलग ही दृष्टिकोण रहता है। स्कूल का मानना है कि शिक्षण के द्वारा शिक्षण करियर के बजाय जीवन उन्मुख होना चाहिए, जिससे बच्चों को शिक्षा के साथ साथ जीवन उपयोगी पाठ पढ़ाए। इसी को महत्व देते हुए माइंड, बॉडी एंड सोल, इन तीनों का सामंजस्य विकास होना बहुत जरूरी है। उसी को ध्यान में रखते हुए स्कूल की तरफ से एक बैलेंस करिकुलम डिज़ाइन किया गया है, जिसके तहत एकेडमिक्स, स्पोर्ट्स एंड एक्टिविटीज़ आते हैं। ये तीनों ही मेन पहलू हैं स्कूल के, जिनको हम अभी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं स्पोर्ट्स एंड एक्टिविटीज़ के बारे में। स्टैंडर्ड 1 to 10 तक के बच्चों के लिए ये सारी एक्टिविटीज़ ऑफर की जाती हैं। ये कोई भी 3 एक्टिविटी के लिए एलिजिबल होते हैं बच्चे। कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं मैं आपको बता देती हूँ। स्केटिंग, इंस्ट्रूमेंटल, स्विमिंग, लॉन टेनिस, क्रिकेट, योगा कराटे, चेस एंड कैरम, डांस, वॉलीबॉल, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, राइफल शूटिंग एंड जिमनास्टिक फ्लोर एक्सरसाइज। ये सभी एक्टिविटीज़ स्कूल के दौरान में कराई जाती हैं। इनकी कोचेस, फुल टाइम कोचेस अवेलेबल रहते हैं स्कूल में। कुछ एक्टिविटी ऐसी होती है जो एज के हिसाब से होती हैं, जैसे स्टैंडर्ड 2 के बाद से बैडमिंटन स्टार्ट होता है, स्विमिंग 4 के बाद से होता है, ऐसे ही वॉलीबॉल, टेबल टेनिस, राइफल शूटिंग एंड लॉन टेनिस। एकेडमिक्स बैलेंस करिकुलम का मेन हिस्सा है। स्कूल पूरी लगने से इसके लिए कार्यशील रहती है। स्कूल इसको बढ़ावा देने के लिए बैकएंड सपोर्ट टीम का एंड एक्टिविटी टीम का गठन किया गया है, जिससे एकेडमिक टीम का संपूर्ण ध्यान बच्चों की शिक्षा की तरफ होता है।
आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने के साथ साथ स्कूल ने कई सेक्शन के कई महत्वपूर्ण पहलू पर भी बराबर ध्यान दिया गया है, जिसकी पुष्टि बोर्ड एग्जाम के रिजल्ट से होती है। एकेडमिक्स को न्याय देने के लिए स्कूल टीचर्स ट्रेनिंग एंड एनरिचमेंट सेशन से लेकर कई कंसेप्ट जैसे कि मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग, डिटेल असेसमेंट रिपोर्ट, माई इवोल्यूशन रिपोर्ट, स्टूडेंट रिव्यू, स्टूडेंट प्रोफाइल, स्टूडेंट रेमिटल जैसे सारे पहलू इसमें शामिल रहते हैं। तो सबसे पहले हम इसके कौन कौन से पार्ट है वो जान लेते हैं। माई इवोल्यूशन रिपोर्ट, MLL, मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग, मॉनिटर्स चार्ट फॉर स्टूडेंट्स, पेरेंट्स टीचर मीटिंग, स्टूडेंट प्रोफाइल, ऑनलाइन एजुकेशन, फिल्टर, स्मार्ट क्लास। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं माई इवोल्यूशन रिपोर्ट से। माई इवोल्यूशन रिपोर्ट ये बैलेंस करिकुलम को पूरे अच्छे से एक्सप्लेन करता है। स्कूल का जो कोर बिलीव है होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, जिसमें बच्चों के सर्वांगीण विकास का उद्देश्य निहित रहता है, उनके एकेडमिक्स, उनके स्पोर्ट्स एंड उनकी एक्टिविटीज इंक्लूडेड रहती हैं। साल भर के दौरान में जो भी गतिविधियाँ होती हैं उन सब का समावेश आपको MER के द्वारा मिलता है। इसके द्वारा आपको बच्चों के एकेडमिक्स, स्पोर्ट्स एंड एक्टिविटीज, उसके अलावा कई को करिकुलम एक्टिविटीज के बारे में भी जानकारी मिलती है। ये तीन पार्ट में डिवाइडेड होता है, स्कॉलरस्टिक एवोल्यूशन, को स्कॉलरस्टिक एवोल्यूशन एंड रिकॉर्ड्स रिलेटेड टू मॉनिटरिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। स्कॉलरस्टिक एवोल्यूशन में कौन कौन से पार्ट आते हैं? बेसिक असेसमेंट रिपोर्ट आता है, सब्जेक्ट वाइज डिस्क्रिप्टिव रिपोर्ट आता है, मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग। को स्कॉलरस्टिक में आता है स्पोर्ट्स एक्टिविटी, कॉम्पिटिशन एंड सेलिब्रेशन, एक्टिविटी फेस्टा, मूवी सेशन, एप्रिशिएशन एंड अचीवमेंट, सेल्फ अवेयरनेस एंड रिकॉर्ड्स रिलेटेड टू मॉनिटरिंग, कंडक्ट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। चलिए इसके बारे में पूरी डिटेल में जानकारी ले लेते हैं। ये MER का फर्स्ट पेज है जिसमें बेसिक असेसमेंट रिपोर्ट रहती है। नेक्स्ट हमारा पार्ट आता है को स्कॉलरस्टिक एवोल्यूशन, जिसमें डिस्क्रिप्टिव आपको हर एक सब्जेक्ट के बारे में डिटेल मिलेगी टर्म वाइज। इंग्लिश है, इंग्लिश का रीडिंग स्केल, राइटिंग स्केल, लिसनिंग स्केल्स कैसा है, ऐसे ही सारे सब्जेक्ट्स के बारे में आपको डिटेल मिलेगी। देन हमारा आता है मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग। मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग एक महत्वपूर्ण पहलू है इसका। इसके द्वारा बच्चे के अंडरस्टैंडिंग लेवल के बारे में जानकारी मिलती है और यही तय किया जाता है कि बच्चे का बेसिक लर्निंग, कंसेप्शनल नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग आगे की क्लास में जाने के लिए पर्याप्त है कि नहीं है। अगर इसमें बच्चों का लेवल मिनिमम भी नहीं होता है तो उस गैप को फिल करने के लिए रेमेडियल क्लासेस लगाई जाती हैं। ये जो रेमेडियल क्लासेस होती हैं या एक्टिविटी लेक्चर्स के बीच में ही एडजस्ट की जाती हैं, जिससे उनकी रेगुलर स्टडी भी डिस्टर्ब नहीं होती है। MLL के साथ हमारा स्कॉलरस्टिक एवोल्यूशन फिनिश होता है। नाउ वी आर इन पार्ट टू कोर स्कॉलरस्टिक एवोल्यूशन। उसमें फर्स्ट पार्ट आता है स्पोर्ट्स एंड एक्टिविटीज रिपोर्ट। जैसे मैंने आपको स्पोर्ट्स एंड एक्टिविटीज के बारे में पहले जानकारी दी थी, साल भर के दरमियान में तीन एक्टिविटीज ले सकते हैं। उसमें क्या क्या बच्चों को स्किल सिखाई जाती है, बच्चे का उसके अकॉर्डिंग क्या परफॉर्मेंस रहता है, उसका डिटेल यहाँ पे मेंशन रहेगा। नेक्स्ट आता है कंपटीशन एंड सेलिब्रेशन। साल भर के अंतर्गत जितने भी कंपटीशन सेलिब्रेशन अरेंज किए जाते हैं उन सब की जानकारी आपको यहाँ पे मिलेगी। देन एक्टिविटी फिएस्टा। एक्टिविटी फिएस्टा की जानकारी हम आगे लेंगे, जिसमें हम सिग्नेचर इवेंट्स डिस्कस करेंगे। इसमें बच्चे ने कौन कौन से एक्टिविटीज़ ऑप्ट की हैं और उसमें बच्चे को क्या क्या कवर कराया गया है, वो सब का डिटेल आपको यहाँ पे मेंशन रहेगा। ये पेज इसमें बेसिकली मूवी सेशन, फील्ड ट्रिप, इन सब के बारे में डिटेल रहती है, जो हर एक क्लास स्टैंडर्ड वाइज अलग अलग रहती है। देन आता है अचीवमेंट्स एंड अप्रिशिएशन। साल भर के दौरान में कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स या कुछ अलग से अप्रिशिएशन या अचीवमेंट्स मिले, कुछ नेशनल लेवल्स के विनिंग है या स्टेट लेवल का है, तो वो यहाँ पे नोटिफाई होता है। सेल्फ अवेयरनेस, रिकॉर्ड्स रिलेटेड टू बेसिक मॉनिटरिंग एंड कंडक्ट,
ये बेसिक बच्चे का परफॉर्मेंस के रिलेटेड ये पेज रहता है। हर एक स्टैंडर्ड, हर एक मंथ वाइज बच्चे का कैसा परफॉर्मेंस है वो डिटेल रहेगी। एंड दिस इज रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेशन, पेरेंट्स विजिट के बारे में, गेट पास, रिकॉर्ड अपडेट, फोन कॉल्स एंड सो ऑन। सो हाउ वी हैव कवर्ड सो फार इन एमईआर, अभी आपको होलिस्टिक डेवलपमेंट का पूरा व्यू मिल गया होगा। जो हमारी स्टार्टिंग से चर्चा चली आ रही है होलिस्टिक डेवलपमेंट के बारे में, जो स्कूल का कोर बिलीव है, जिसमें एकेडमिक्स के साथ साथ स्पोर्ट्स प्लस एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व रहती हैं, तो अभी आप विजुलाइज कर सकते होंगे कि कैसे स्कूल की दिनचर्या में बच्चों के रूटीन लाइफ में ये इंक्लूड किया जाता है और बच्चों को उसके अकॉर्डिंग उसका इवोल्यूशन होता है। चलिए अब हम हमारा दूसरा पार्ट की तरफ चलते हैं। थर्ड पार्ट आता है हमारा मॉनिटर्स चार्ट फॉर स्टूडेंट्स। मॉनिटर्स चार्ट फॉर स्टूडेंट्स जनरली बच्चों का के लिए ही ये इनिशिएटिव लिया गया है। इसमें बच्चों की बेसिक लर्निंग, उनकी लीडरशिप क्वालिटीज, उनकी बेसिक क्वालिटीज को एनहांस करने के हिसाब से ये इनिशिएटिव है। इसमें बच्चों को अलग अलग टीम में बांट देते हैं। हर टीम की अलग की एक जिम्मेदारी होती है उनका एक निरीक्षण करने की। जब बच्चे स्वयं का खुद का इवोल्यूशन खुद करते हैं तो उनमें सेल्फ डिसिप्लिन, ऑनेस्टी, ट्रांसपेरेंसी, लीडरशिप क्वालिटी डेवलप होती है। ये टीम कौन कौन सी होती है? डिसिप्लिन टीम होती है, परफेक्शन टीम होती है, फॉलोअप टीम होती है, फूड टीम होती है एंड हेल्पिंग हैंड टीम होती है। महीने के लास्ट में पॉइंट सिस्टम के बेसिस पे, पॉजिटिव नेगेटिव के बेसिस पे कैलकुलेशंस होती हैं, जिससे जो टॉप 5 बच्चे होते हैं वो स्टार ऑफ द मंथ डिक्लेयर किया जाता है, जो आपको स्क्रीन पे अभी दिख रहा होगा। ऐसा ही एक फोटो एक्रेलिक शीट में हर एक क्लास में डिस्प्ले रहता है। जो बच्चे 3 बार स्टार ऑफ द मंथ बन जाते हैं उन्हें स्टार ऑफ द स्कूल के लिए नॉमिनेट कर दिया जाता है, और जो कंटिन्यूसली स्टार ऑफ द मंथ रहते हैं उन्हें स्टार ऑफ द ईयर के लिए नॉमिनेट किया जाता है, जिन्हें साल के अंत में एनुअल डे के दिन अवार्ड से नवाजा जाता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है स्टूडेंट प्रोफाइल। जनरली यहाँ पे हर एक बच्चे का एक बेसिक प्रोफाइल मेंटेन रहता है, जिसमें बच्चे के बारे में बेसिक डिटेल के साथ साथ उनकी सारी गतिविधियों का रिकॉर्ड रहता है, जैसे उन्होंने क्या एक्टिविटी और स्पोर्ट्स सेलेक्ट किया गया है, पेरेंट्स विजिट का डिटेल रहता है, टीचर्स ऑब्जर्वेशन डिटेल रहता है, एग्जाम मार्क्स, स्कोर रजिस्टर, सो ऑन। स्मार्ट क्लास, स्कूल में 2 AV रूम अवेलेबल हैं जहाँ पे स्मार्ट बोर्ड के द्वारा लेक्चर्स दिए जाते हैं। देन आता है फील्ड ट्रिप। एज ग्रुप के हिसाब से हमारे हर एक स्टैंडर्ड के बच्चों को फील्ड ट्रिप पे लिया जाता है, जिससे उनका प्रैक्टिकली जो नॉलेज है वो इंक्रीज होता है। ऑनलाइन एजुकेशन, ऑनलाइन एजुकेशन गूगल क्लासरूम और वीडियोस के द्वारा दी जाती है। जैसे अभी लॉकडाउन के दौरान में काफ़ी बच्चों को दिक्कत आ रही थी, तो उसका ये मेन एंड अच्छा सोल्यूशन है। वो घर बैठे बैठे अभी अपना सारे असाइनमेंट, उनकी एजुकेशन नॉर्मल रिदम में चल रही है। नेक्स्ट आता है पेरेंट्स टीचर मीटिंग। पेरेंट्स टीचर मीटिंग PTM एग्ज़ाम के 2 महीने के बाद अरेंज करने के बजाय स्कूल हर एक हफ्ते में इसको अरेंज किया जाता है, ताकि पेरेंट्स को टीचर्स और प्रिंसिपल से मिलने का मौका मिले। बट उसके लिए एक दिन और टाइमिंग स्लॉट फिक्स कर दिए जाते हैं, जिसमें उन पेरेंट्स को टीचर से मिलने दिया जाता है। इसके द्वारा एक कम्युनिकेशन लेवल बना रहता है और पेरेंट्स को तुरंत सॉल्यूशन भी मिल जाता है। प्रिंसिपल से मिलने का दिन दोनों मीडियम में सेम है, मंडे वेडनेसडे थर्सडे एंड सैटरडे मॉर्निंग 8:30 to 9:30। ऐसे ही इंग्लिश मीडियम से मिलने का दिन बुधवार का दिन फिक्स किया गया है, मॉर्निंग 7:30 to 8:50। एक गुजराती मीडियम के लिए सैटरडे का दिन रहता है, मॉर्निंग 7:30 to 8:15। KG सेक्शन के लिए भी सैटरडे का दिन रहता है, मॉर्निंग 8 to 10 AM। हायर सेकेंडरी के लिए इट इज़ फॉर एवरी डे 9:40 to 10 AM। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा IT सॉल्यूशन फॉर पेरेंट्स। स्कूल ऐप के द्वारा स्कूल रोजाना की गतिविधियों की जानकारी पेरेंट्स को देता है। इसमें बच्चों से रिलेटेड उनके होमवर्क, उनका बिहेवियर, सर्कुलर, नोटिफिकेशन, इन सब का डिटेल रहता है। इनको 2 तरीके से लॉगिन किया जाता है, मोबाइल एप्लीकेशन के द्वारा भी किया जाता है, पेरेंट पोर्टल के द्वारा भी किया जाता है। पेरेंट पोर्टल के द्वारा आपको वेबसाइट के थ्रू लॉगिन करना रहता है,
ये डैशबोर्ड का स्क्रीन आपको दिख रहा होगा, ये पेरेंट पोर्टल के द्वारा जो वेबसाइट के थ्रू लॉगिन करते हैं ये उसका स्क्रीन है। ये स्कूल मोबाइल एप्लीकेशन के द्वारा है। इनमें कौन कौन से फील्ड्स हैं हम बेसिक में वो डिटेल में जानकारी ले लेते हैं। प्रोफाइल, स्टूडेंट का बेसिक प्रोफाइल डिटेल रहेगा यहाँ पे। रिजल्ट, टर्म वाइज रिजल्ट अपलोड होता है। फी, क्वार्टरली फी डिटेल्स रहेंगी यहाँ पे। होमवर्क, डेली के अपडेट्स रहते हैं। सर्कुलर, स्कूल के द्वारा कोई सर्कुलर शेयर होता है तो वो यहाँ पे आपको मिलेगा। अपडेट्स, कोई भी न्यूज़ या कोई अपडेट्स या फिर कोई वीडियोस वगैरह या कोई फोटोग्राफ्स जो शेयर होती हैं वो अपडेट्स में आपको मिलेंगी। ऑब्जर्वेशन, स्टूडेंट्स डेली ऑब्जर्वेशन। पॉलिसीज, स्कूल के बारे में सारे सिस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस इंक्लूड रहते हैं इसमें। ऑनलाइन फॉर्म्स, बोनाफाइड गेट पास एंड रिकॉर्ड अपडेट्स, ये तीन ऑनलाइन फॉर्म अवेलेबल रहते हैं जिनका आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है पार्टनरशिप विद पेरेंट्स। हर एक बच्चे के जीवन में स्कूल और उसके पेरेंट्स का अहम भूमिका रहती है। बच्चा डिफरेंट डिफरेंट एनवायरनमेंट में रहता है। स्कूल का ये प्रयास रहता है कि दोनों के बीच में एक सामंजस्य बना के रखे जिससे बच्चों को दोनों ही स्थान से सेम क्लैरिटी मिले। छात्रों के विकास को हाईएस्ट स्टैंडर्ड पे पहुँचाने के लिए ये सक्षम बनाता है। पेरेंट्स और स्कूल के बीच में रिलेशनशिप को विकसित और मजबूत बनाता है और साथ ही पेरेंटिंग स्किल को भी इंक्रीज करता है। तो चलिए, अभी तक हमने हमारा पूरा हॉलिस्टिक डेवलपमेंट पूरा डिस्कस कर लिया है। एक्टिविटीज़ प्लस एकेडमिक्स एंड स्पोर्ट्स के बारे में जानकारी ले ली है। अब हम हमारे सिग्नेचर इवेंट्स की तरफ बढ़ते हैं। उसमें सबसे पहला आता है एक्टिविटी फेस्टा। स्कूल के इस प्रयास से बच्चों को डिफरेंट एक्टिविटी में भाग लेने का अवसर मिलता है जो टेक्स्ट बुक से परे और दिन प्रतिदिन के जीवन की आवश्यकताओं को छूती है। हम कह सकते हैं कि बच्चों के स्कूल की और रियल लाइफ के बीच की कड़ी है। इस कंसेप्ट के बीच में ही बच्चों को सर्वांगीण विकास का उद्देश्य निहित रहता है। ये बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने और घर के बेसिक लर्निंग्स, बेसिक जो उनके कौशल के वो के योग्य बनाता है। इसमें हाफ डे बेसिक एक्टिविटीज़ होती हैं और हाफ डे जनरल अवेयरनेस के सेशन होते हैं। एक्टिविटीज़ कौन कौन सी होती हैं मैं आपको बता देती हूँ। क्ले मॉडलिंग, क्राफ्ट, ड्राइंग, डेकोरेशन, रंगोली, वस्त्राल और अंतु, मेहंदी, हेयर स्टाइल, कैराओके, कुकिंग, नॉन फायर कुकिंग, एरोबिक्स, वाटर एरोबिक्स, साइंस प्रोजेक्ट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, क्रिएटिव राइटिंग एंड क्विलिंग आर्ट। ऐसे ही जनरल अवेयरनेस के कुछ सेशंस होते हैं जैसे बेसिक टेबल मैनर, वेस्ट मैनेजमेंट, फायर ड्रिल, बेसिक फर्स्ट एड बॉक्स का ट्रेनिंग, बैंकिंग सेटअप, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी एंड जर्नलिज्म। अगर मैं बैंकिंग, फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी या जर्नलिज्म की बात करूं तो असल ज़िंदगी में इन बच्चों को इन गतिविधियों का एक्सपोजर काफ़ी लेट मिलता है, बट किताबी ज्ञान से ही लेते रहता है। परंतु इस गतिविधियों के द्वारा उनको प्रैक्टिकल नॉलेज मिलता है। ये बच्चों के करियर को लेके भी उतनी ही उपयोगी होती हैं। इसमें कई एडवेंचरस एक्टिविटीज़ भी शामिल रहती हैं जैसे बंजिंग जंपिंग है, रॉक क्लाइंबिंग, जिप लाइनिंग, बुल राइड। सो ये जो आपको पिक्चर्स दिख रही है ये एक्टिविटी फिएस्टा का ही है जिसमें बच्चों को आपने देखा ही होगा, कुछ रंगोली में पार्टिसिपेट किए हैं, कुछ फायर ड्रिल तो सभी देख ही रहे हैं, कुछ कुकिंग में है, बैंकिंग सेटअप भी यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। तो इस तरीके से ये प्रोग्राम यहाँ पे अरेंज किया जाता है। नेक्स्ट इवेंट की तरफ बढ़ते हैं हम, होम अवे फ्रॉम होम। ये एक ऐसा आयोजन होता है जिसमें बच्चे को स्वयं निर्भर बनाने के लिए अपने टीचर्स और फ्रेंड्स के साथ रहने का एक मौका मिलता है। जो घर से दूर एक स्कूल में एक रात उनके लिए उनका नाइट स्टे का व्यवस्था रहता है। ये 3rd से 7th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए ही रहता है जिसमें नाइट स्टे का प्रोविजन किया जाता है। छोटे बच्चे उनके क्लास टीचर के साथ क्लासरूम में रहते हैं, बड़े बच्चों का स्टे टेंट में किया जाता है, प्रोविजन ग्राउंड में। ये जो फोटोग्राफ आप देख रहे हैं ये होम अवे फ्रॉम होम की है। नेक्स्ट हमारा एक इवेंट आता है एनुअल डे, विच इज़ द सेकेंड सिग्नेचर इवेंट ऑफ आर स्कूल।
ग्रैंड सेलिब्रेशन रहता है, इंग्लिश मीडियम का अलग सेलिब्रेट होता है, गुजराती मीडियम का अलग होता है। इसके द्वारा स्टूडेंट को स्टेज परफॉर्मेंस के लिए एक सेल्फ कॉन्फिडेंस क्रिएट होता है, जिसके द्वारा लाइक बच्चे का स्टेज फियर दूर होता है, साथ के साथ स्कूल को भी अपने साल भर की गतिविधियों को प्रदर्शन करने के लिए ये एक मंच प्रदान करता है। इसके अलावा जो भी प्रतिष्ठित छात्राएं हैं, प्रतिष्ठित स्टूडेंट्स हैं, उनको सम्मानित करने के लिए भी अवसर मिलता है। स्कूल एनुअल अवार्ड सेरेमनी में शामिल होने वाले बच्चों के साथ साथ उनके पेरेंट्स को भी ये मंच प्रदान करता है। यह फोटोग्राफ देख ही सकते हैं, हमारे एनुअल डे का है। इसी के साथ हमारे स्कूल की बेसिक डिटेल्स यहीं पे फिनिश होती हैं। मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि अगर आपको अपना एडमिशन कंफर्म कराना है तो हमारा एक नेक्स्ट वीडियो भी देखिए, और ऑनलाइन एडमिशन प्रोसेस के लिए आप नेक्स्ट प्रोसेस में जाएंगे तो आपको उसमें एक फॉर्म अवेलेबल होगा, वो फॉर्म फिल कर दीजिएगा। तो उसके बाद जो स्कूल से रिलेटेड जो फॉर्मेलिटीज़ होगी वो हम स्कूल जब रीओपन होगा तब हम आपको कॉल करके करवा लेंगे। अभी के लिए आप ऑनलाइन ये प्रोसेस कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो में जुड़े रहने के लिए। और हाँ, एक बात मैं अंत में और कहना चाहूँगी, और अधिक जानकारी या अगर आपको और कोई डिटेल की अगर आवश्यकता है तो आप हमारे ये जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको दिख रहे हैं आप इसी नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या फिर हमें ईमेल ड्रॉप कर सकते हैं info@schoolofachiever.org, एंड यू कैन सबमिट योर क्वेरी एज वेल, वी विल बी हेल्पिंग यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस।